नमस्ते, आइए मिलते हैं उदयपुर की शकुंतला जी सोनी से, जो गुरुदेव सियाक योग के विषय में अपने अनुभव हमसे साझा करना चाहती है। आपको बता दे कि ये 13 जगता वर्षों से इससे ही जुड़ी है। हाँ तो शकुंतला जी, बताइए ये गुरु सियाक योग क्या है? गुरु सियाक योग के बारे में तो बहुत चर्चा है। आपने पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि गुरु सियाक योग एक ऐसा योग है, ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन आजकल बड़े चर्चे में है। ये एक नाच पंथियों की देन है। गुरु गंगाई नाथ जो थे, उन्होंने अपने शिष्य श्री राम लाल जी सियाक को ये दिया था, सौंपा था, और तब से श्री राम लाल जी सियाक हमारे गुरुदेव हैं। और उनका जो ये योग है आज इतना चमत्कृत कर रहा है लोगों को कि कहने को शब्द भी नहीं है। एक बार जो इस योग में आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसका तो जीवन ही बदल जाता है। अच्छा, तो ऐसा है तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस योग को करते कैसे हैं। ये एक सिद्ध योग है। इस योग में क्या होता है कि गुरु के सानिध्य में रह के ही, गुरु की कृपा जब होती है तो कुंडलिनी जागृत होती है। और गुरु सियाग ने एक मंत्र दिया है जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं। तो गुरु सियाग का वो मंत्र जब हम सुनते हैं तो उसमें एक तो ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है। 15-15 मिनट 2 बार सुबह शाम ध्यान करना होता है, और वो जो संजीवनी मंत्र है उसका जाप करना होता है। और इस मंत्र जाप से और इस जब हम ये करते हैं ध्यान, तो इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक क्रियाएं होती है और जो भी रोग होते हैं वो उन क्रियाओं से दूर होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ योग से सारी बीमारियां सही हो जाती है? बिल्कुल 100% सही है। एड्स और कैंसर तो लाखों लोग इससे ठीक हुए हैं, और गुरुदेव ने चैलेंज दिया था। और वास्तव में देखा जाए इनका रिकॉर्ड, आप लोग गुरु सियाग योग सर्च करके देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, और इतने ज़्यादा केस इससे ठीक हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। और आज भी इस योग से काफ़ी लोग अपने कई रोगों से ठीक हो रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑटोमेटिक योग हो रहा है? ये तो हमें क्रिया कर, मतलब हम जब योग करते हैं उस योग के दौरान हमारे जो स्वतः, जैसे हमें योग करवाया जाता है, एक तो उसमें बताया जाता है सांस छोड़िए, सांस ये करिए, लेकिन इस योग की ये विशेषता है कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायर होती है, हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है, वो ही क्रियाएं ध्यान के दौरान अपने आप होती है। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिक योग, ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तो मैं कहती हूँ ना, कहने सुनने पर नहीं जाना है, आप स्वयं इसको करके देखिए। अच्छा। आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये संभव है और बिल्कुल है। अच्छा, तो इसकी करने की विधि क्या है? इसकी विधि बस यही है कि हमें ध्यान की मुद्रा में अच्छा स्थान कुछ भी बिछा के बैठ सकते हैं, पलंग पे कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव की आवाज़ का एक ऑडियो है, उनकी आवाज़ में हमें वो मंत्र सुनना होता है। फिर हमें जब गुरुदेव का जो फोटो होता है उसको अपने देखने के बाद उनको अपने आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ पे हमें महसूस करना होता है। उसके बाद आँख बंद करके फिर हमें वो मंत्र जाप, जिसे मानस जाप कहा है, बिना होठ जीभ हिलाए हमें वो मंत्र जाप करना होता है। और उसके बाद अपने आप आपके शरीर की जो आवश्यकता होगी इसके अनुसार योग होगा। और अपने आप इसमें आपकी एक विशेषता यह है कि आपको समय बोलना जरूरी होता है कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट का ध्यान कराइए। और ये ध्यान सुबह और शाम 2 टाइम करना होता है, और आप 15 मिनट बोलेंगे तो आप 15 मिनट में ही आपकी आँख खुलेगी। आप 10 मिनट बोलेंगे तो 10 मिनट में आपकी आँख खुलेगी। बस इसको 2 बार ही करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपके भी कुछ अनुभव रहे होंगे इसमें? बहुत ज़्यादा, तभी तो आज मैं इतने सालों से जुड़ी हूँ। लेकिन जो 2-3 वर्षों में जो मैंने देखा है, चमत्कृत कर देने वाला है। आज हमारे कई ग्रुप पूरे इंडिया में चल रहे हैं। इंडिया में तो क्या, इतने विदेशी लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। और दिन रात इतनी इतनी अनुभूतियाँ आती है, इसमें लाइव प्रोग्राम आते हैं और हम सब एक दूसरे को जब शेयर करते हैं अपनी अपनी अनुभूतियाँ, तो चमत्कृत कर देती हमें।
कि वास्तव में एक बार तो लोग सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हो रहा है। अच्छा, तो क्या ये कोरोना महामारी में भी कारगर है? 100% सही, आपने सही कहा। कोरोना महामारी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे गुरु भाई बहन जो हमारे जुड़े हुए हैं इस योग से, सभी इसमें लगे हैं। जैसे ही किसी को पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है, कहीं कहीं से पता लग ही जाता है, और फिर हम उनको कैसे भी वहाँ तक पहुँच के उनको, हमारे बहुत गुरु भाई बहन तो हॉस्पिटल में जाके भी बता रहे हैं, कोई किसी के व्हाट्सएप द्वारा, फ़ोन द्वारा हम सबको बता रहे हैं, और बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ, अगर वास्तव में सभी लोग इसको अपना ले तो शायद ये महामारी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है जी। और एक बात, मैं जब आपको मैंने योग के बारे में बताया था कि ध्यान के दौरान जो अपन करते हैं, तो एक उसमें ये शर्त है कि और कोई भी इसमें नियम नहीं है, केवल भूखा पेट होना चाहिए। खाना खाने के बाद इस ध्यान को नहीं करना होता है, और इसमें कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है। अच्छा, तो मैंने भी ट्विटर पे जो गुरुदेव के बहुत सारे ट्वीट चल रहे हैं, मुझे भी बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि क्या ये, लेकिन आपसे बात कर ली तो ऐसा लगा कि हाँ, ये सच्ची में एक चमत्कार ही है। बिल्कुल, और है, और मैं भी अवश्य अब इसे हमेशा करूंगी। करना चाहिए आपको, और मैं तो यही कहूंगी फिर कि करके देखो आप। अच्छा, तो आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? दो पंक्तियों में ये कहूंगी कि बाग से गुजरी तो खुशबू से सराबोर हो गई, बाग से गुजरी तो खुशबू से सराबोर हो गई, और गुरुद्वार पर आई तो मेरी तो दुनिया ही बदल गई। वाह वाह, शब्द नहीं है मेरे पास गुरु सियाग के लिए, कि वास्तव में अगर, मैं तो कह रही हूँ, सारे देश दुनिया वाले अगर इसको अपना ले तो कई रोग तो वैसे ही मिट जाएंगे। ये महामारी तो क्या है, ये देखते ही देखते खत्म हो सकती है। जी, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी धन्यवाद।